मेरे सामने खड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा अब अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा, हमें भी सुनाने में अच्छा लगेगा। आज के इस भव्य कार्यक्रम में आए हुए मेरे पिता समान सभी बुजुर्ग श्रोता, हम उम्र साथी, माताएं बहनें, संगीत पर संगति कर रहे मेरे साथी कलाकार गायक बंधु, सभी के चरणों में नमन वंदन, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सर्वप्रथम हाजरी बांके बिहारी के चरणों में, श्याम बाबा के चरणों में, राधे रानी के चरणों में मुझे आदेश मिला है। आइए कुछ पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छा लगेगा। और एक विशेष बात हमारे आदरणीय वकील साहब जी ने आदेश दे दिया, मैं उनसे निवेदन करूंगा एक पर्ची पर नाम लिख करके मुझे अवश्य दे जाएं। आप आदरणीय वकील साहब मेरी आवाज सुन रहे हो, बेटे का नाम और एसडीओ साहब अपना नाम, पिताजी को नाम, सबको नाम लिखते। आइए सबसे पहली हाजरी बांके बिहारी के चरणों में, बाबा श्याम के चरणों में बड़े भाव से लेकर के चलेंगे, मीठी मीठी तालियों के साथ, क्योंकि मैं गाता रहूं और आप शांति के साथ सुनते रहें। ऐसे भी आज की रात्रि आनंद नहीं आएगा जब एक व्यक्ति भगवान के चरणों में अपनी आराधना करता है, प्रार्थना करता है, उसे कहा जाता है कीर्तन, और सभी साथ मिलकर के भगवान को, उस परमेश्वर को मनाते हैं, उसे कहते हैं संकीर्तन। आइए बड़े भाव से आज की रात्रि भजन संध्या में आप लोग अपना अपना सहयोग करेंगे बांके बिहारी के चरणों में। दलवीर भाई मेरी आवाज सुन रहे हो दरबार में, भक्त कहता है दरबार में जाकर के, तेरी भावना में भावना वो भावना बेकार है, यद भाव से रट ले तुझे तो भव से बेड़ा पार। आज बड़ा सुंदर सा आयोजन हमारे एसडीओ साहब के माध्यम से, वकील साहब के माध्यम से हो रहा है। सबसे पहली हाजरी बाबा श्याम के चरणों में, बांके बिहारी के चरणों में नमन वंदन करेंगे, कहना है बड़े भाव से कीर्तन की रात श्याम जी आज तुमको आना है, कीर्तन की रात श्याम आज तुझे आना है, ये नाता निभाना है, कीर्तन की रात श्याम आज तुझे आना है। आइए ज्यादा नहीं, एक बार दोनों हाथों को उठा लें जो भगवान श्याम पर विश्वास करते हैं, बांके बिहारी लाल पर विश्वास करते हैं। एक बार तालियों की सेवा देते हुए बड़े भाव से चलेंगे। कीर्तन की रात श्याम आज तुझको आना है, कीर्तन की रात श्याम आज तुमको आना है, कीर्तन की रात श्याम आज तुझे आना है, ये नाता निभाना है,
कीर्तन की रात श्याम आज तुमको आना है कीर्तन की रात। जय श्री राधे। श्याम आज तुम्हें आना है, ये रिश्ता निभाना है। रिश्ता कौन सा है? आपका और हमारा भगवान श्याम से। क्योंकि एक दिन देवलोक में पंचायत हुई, धरती माता को घमंड हुआ, धरती माता ने कह दिया, पृथ्वी ने कहा मैं सबसे बड़ी, मैंने सबका भार उठाया है। इतने में ही शेष जी खड़े हो गए। शेष जी कहने लगे, तुमने सबका भार उठाया लेकिन टिकी तुम्हारे पर ना। पृथ्वी बड़ी ये शेष बड़े, जिन्हें सब संसार उठाया है। जब शेष का अभिमान देखा तो महाकाल ने कह दिया, ना शेष बड़े ये शंकर बड़े, जिनने गले का हार बनाया है। ना शंकर बड़े वो रावण बड़े, जिनने कैलाश उठाया है। जय हो। ना रावण बड़े वो बाली बड़े, छह मास काख में दबाया है। न बाली बड़े वो राम बड़े, जिनने बाली कुमार गिराया है। जे जे। न राम बड़े ये भक्त बड़े, जिनने राम नाम अपनाया है। इन भक्तों से नहीं कोई बड़ा, इन सबको ही नाच नचाया है। क्योंकि भक्त और भगवान का कुछ रिश्ता ही ऐसा होता है, इसीलिए भक्त भाव से बुलाए और भगवान नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। कहना है कीर्तन की रात श्याम आज तुमको आना है, कीर्तन की रात श्याम आज तुमको आना है, कीर्तन की रात श्याम आज तुझे आना है, ये नाता निभाना है। कीर्तन की रात श्याम आज तुमको आना है, कीर्तन की रात। क्या बात। प्रथम पंक्ति में कहता है भक्त, दरबार फूलों से तेरा सजाया है, सामने आज ये हो। दरबार फूलों से तेरा सजाया है, सामने आज ये। और चंदन की चौकी पे आसन लगाया है, सबरे आज ये। चंदन की चौकी पे आसन लगाया है, सबरे आज ये। और आकर के सब भक्तों को दर्शन कराना है, आकर के सब भक्तों को दर्शन कराना है, आकर के सब भक्तों को दर्शन कराना है, ये नाता निभाना है।
कीर्तन की रात श्याम आज तुमको आना है कीर्तन की रात। अंतिम पुष्प बाबा के चरणों में, चरणों में झुका है शीश तुझे टेर रहो छैया श्याम ना देर करो। चरणों में झुका है शीश तुझे टेर रहो छैया श्याम ना देर करो। हे कृपा सिंधु जगदीश जल्दी से झोली भरो। हे कृपा सिंधु जगदीश जल्दी से झोली भरो श्याम ना देर करो। हे कृपा सिंधु जगदीश जल्दी से झोली भरो श्याम ना देर करो। प्रेम भाव का दीपक सबके दिल में जलाना है। प्रेम भाव का दीपक सबके दिल में जलाना है। प्रेम भाव का दीपक सबके दिल में जलाना है। ये नाता निभाना है कीर्तन की रात श्याम आज तुझको आना है। एक बार कहिए सच्चे दरबार की, बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की।